ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी भगवान के बच्चे हैं और हमें अधिकार है उससे रोज मिलन मनाने का। सोचो, भगवान किसी से रोज मिलते हो, दिल भर कर मिलते हो, जितना लंबा समय चाहे मिलन होता हो, कितने भाग्यवान होंगे वो मनुष्य आत्माएं। और उनमें से वो सब हैं हम, मैं। तो रोज प्रभु मिलन का सुख लेना है और बाबा ने अमृत वेले का समय उसके लिए निश्चित कर दिया है, रोज 3:30 से 4 से 5 तक। ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा ने समय रख दिया है, फिक्स अपॉइंटमेंट है, जब चाहे आकर मुझसे मिल लो। 5 से 6-7 भक्तों के लिए समय है, उनकी बाबा सुनता है और जितना वो मांगते हैं या जितना उनमें शक्ति है उनको मदद करता है। तो आइए रोज प्रभु मिलन के सुखद अनुभवों से स्वयं को भरपूर करें। इसके लिए अमृत वेला उठना परम आवश्यक है, न केवल उठना बल्कि स्वयं को श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करना। उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करें और स्वयं को स्मृतियां दिलाएं, वह मेरा भाग्य, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। प्रभु मिलन के लिए अपने को तैयार करें कि बाबा वतन में बाहें पसारे हमारा आह्वान कर रहा है, बच्चों आ जाओ, मुझसे शक्तियां ले लो, वरदान ले लो, अधिकार ले लो, अपनी भूले क्षमा करा लो, मुझसे बातें कर लो, मेरे प्यार को अनुभव कर लो। भगवान से जो चाहे लेने का समय होता है अमृत वेला, तो भला हम क्यों सोए रहें। यदि हमें देश का प्राइम मिनिस्टर कह दे कि रात को 2:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आना है, तो हम सोएंगे नहीं, शायद रात जगकर 2:30 बजे का इंतजार करेंगे, तैयारी करेंगे। हमें स्वयं भगवान ने आह्वान किया है, बच्चों आ जाओ मेरे पास, मुझसे आकर मिलन मनाओ और ये सब कुछ ले लो। तो हम रोज सवेरे उठें, बाबा से मीठी मीठी बातें करें, स्वयं को तैयार करें और चलें सूक्ष्म लोक में। सामने बाप दादा को देखें, उनसे दृष्टि लें और देखें कि ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म तन में चमकती महाज्योति ज्ञान सूर्य विराजमान है, उनकी दिव्य शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। फिर बाबा ने अपनी 1000 भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर के ऊपर फैला दी है और बोले, बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ। फिर बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, उनके हाथ से शक्तियों की किरणें निकल कर मुझ में समाने लगी। फिर बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया है और वरदान दिए, बच्चे विजयी भव, महान योगी भव, सफलता मूर्त भव, संपूर्ण मायाधीत भव, विघन विनाशक भव। स्वीकार करें, जिस वरदान को स्वीकार कर लेंगे वो हमारा हो जाएगा। फिर बाबा दृष्टि दे रहे हैं और बाबा से दृष्टि लेकर सारे संसार को दृष्टि दे दें, इस स्मृति से कि मैं पूर्वज हूँ,
और दृष्टि से मुझे सबकी पालना करनी है, रोज एक बार 5-7 मिनट ऐसा प्रभु मिलन का सुख भरा अनुभव करें, फिर योग के भिन्न भिन्न अभ्यास करें, तो अमृत वेला हम बहुत चार्ज हो जाएंगे और ये शक्तियां सारा दिन हमें काम आएंगी। तो अटेंशन से रोज सवेरे शाम को भी करें, यदि 2 बार करेंगे तो जीवन आनंदों से भर जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।